सबसे पहले प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त है। तो चलिए भाई दोस्त, एक बार फिर से नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं। आइए फिर कुछ खास करते हैं। भाई दोस्तों, अभी सुबह के 8:30 का टाइम हो गया है और मौसम की बात करें तो यहाँ देखो चटचटा वाली धूप लगी हुई है, बिल्कुल खतरनाक से। बाकी भाई दोस्तों, आज है 12 तारीख, तो आज एक बढ़िया सा दिन भी है। बढ़िया सा दिन इसीलिए है भाई दोस्तों कि आज हमारे अंशु कंडारी का जन्मदिन है भाई। तो अंशु कंडारी जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कैसे हो? ठीक है। कितने साल के हो गए हो? 9 साल के हो गए हो। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको है। वहाँ की माता श्री भी लगी हुई है भाई दोस्तों। सुबह के प्रारंभिक काम सारे निपटाने पर यहाँ पर घास वगैरह की कमी हो गई थी। देखो, हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पर पूरा घास भरा हुआ था, यहाँ से ऊपर टुक तक अब लगभग खाली हो चुका है, तो थोड़ा बहुत और था तो यहाँ माँ उसको मिसा रही है। माता श्री राम राम। राम राम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। ठीक ठाक हो? नाश्ता पानी हो गया? हो गया। क्या बात है, सुबह सुबह हो गया, जल्दी हो गया है? जल्दी हो गया। बाकी ये है भाई दोस्तों भाभी का रोन, तो भाभी भी यहाँ पर बैठी हुई है, मस्त कर रही है। भाभी श्री राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो है? ओके। तो भाई दोस्तों, कल गौरी को टीके वगैरह लगे थे तो काफी परेशान हो रखी है कल से गौरी। अरे भाई, चमक तो वही है भैया। क्या बात है भाई, क्या बात है। कभी कभी रो रही है, कुछ ज्यादा ही रोने लग जा रही है, बट कभी कभी ठीक ठाक हिसाब है गौरी। चलो बाय बाय, अभी मिलते हैं घड़े में, बाय बाय। तो अभी मेरी तैयारी है भाई दोस्तों रिखणीकाल जाने की, तो रिखणीकाल जा रहा हूँ मैं थोड़ा केक लेने के लिए अंशु के लिए। बाकी भाई दोस्तों, आज है संडे का दिन, तो बीरोखाल मार्केट पूरा लगभग बंद रहता है और रिखणीकाल भी शायद बंद ही रहता होगा, ज्यादातर मार्केट आज संडे के दिन बंद ही रहता है। तो मेरे दोस्त की शॉप है वहाँ पर रिखणीकाल में, तो मैंने उसको बोल दिया था कि ये चीज चाहिए तो उसको रख लेना, तो वो शायद वो काम कर रहा होगा। बाकी अभी मैं चलता हूँ फटाफट से रिखणीकाल, और उसके बाद आज सिमड़ी भी जाना है भागवत कथा सुनने के लिए, थोड़ा बहुत वहाँ भी ज्वाइन करेंगे अगर टाइम से आ गए रिखणीकाल से। फिलहाल तो फटाफट निकलते हैं, 8:30 का टाइम हो रहा है। बाकी सफर में आज साथ में है भाई ऋषभ, तो जिसको आप घर के नाम से काठी के नाम से भी जानते हो, तो आज इसका भाई भी दिल्ली वगैरह चला गया है, 10वीं के पेपर दिए थे, पास हो गया है, तो दिल्ली चला गया घूमने के लिए। अक्सर जब हम 10 में थे ना भाई दोस्तों, तो हम क्या सभी लोग जाते हैं, बहुत शौक होता है दिल्ली या इधर उधर घूमने का, तो उस टाइम पे हम भी जाया करते थे। सवा 10 का टाइम हो गया है भाई दोस्तों, और हम पहुंच गए हैं सीधा रिखणीकाल। और यहाँ आने से पहले मैं सीधा गया पहले अपना पंचर बनवाने के लिए, टायर में थोड़ा सा पंचर हो रखा था, कच्ची रोड है ना, तो भाई टायर ना ज्यादातर पंचर ही हो रहा है, पता नहीं क्यों यार। बाकी ये रिखणीकाल मार्केट है भाई दोस्तों, देखो यहाँ से लेकर पूरा ये पूरा रिखणीकाल मार्केट है। और फिलहाल तो भाई आज अगर मैं बीरोखाल में होता ना इस टाइम, तो वहाँ बिल्कुल चुकापट रहता है संडे के दिन, बट ना रिखणीकाल में ना काफी रौनक है यार, मतलब काफी रौनक है। ये है हमारे दोस्त भाई दोस्तों विनय रावत, तो कैसे हैं? बढ़िया भाई, ठीक ठाक छो है। कार्ड तो तुमने पहुंचाया नहीं, कार्ड हम तेरा माँ का से मिल है, सुखदेव दाई हो जाती भाई, चल यार। फिलहाल तो चलते हैं भाई दोस्तों वर्कशॉप में, तो ये वर्कशॉप है, भाई जी भी यहाँ पे लगे हुए हैं काम धाम। भाई जी नमस्कार, मेरे बाल खो जो है क्या बात है, बड़ी तगड़ी स्माइल देना चाहते मैं, ये तो खास चमर है। चलो बढ़िया, कहाँ चलो काम काज? चलो बढ़िया, मस्ती चलो चलो ना। बाकी भाई दोस्तों यहाँ देखो कार्ड भी मिल चुका है, दीपू भाई हमारे, दीपू पटवार ब्लॉगर ग्राम छोटी कंडली, मतलब तू एज अ ब्लॉगर बुलानी चाहिए। ना ब्लॉगर नहीं, ब्लॉगर को कौन लगा ब्लॉग यार, भाई तेरे क्या मानते हैं, ये नहीं मानता तू हम पक्का। हां शादी नहीं यार, ज्यादातर लोग ना भाई दोस्तों मेरे को यार एज अ ब्लॉगर ही बुलाते हैं, बोल के वीडियो वीडियो मुंह मीठा भी करो हमारी तरफ से, यहां से काम है तो उसके और शुभ कर देते हैं हम, चार चांद लगा देते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद रानी भाई। राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, काम काज ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया यार, एकदम आप लोगों की दुआ है। हां काम ऐसा है कि बिल्कुल पसीना हो गया। चलो बढ़िया, लगे रहो। अभी थोड़ा बहुत सामान ले लिया है, केले वगैरह ले लिए हैं, और गोरी के लिए भी था कुछ सामान, वो भी ले लिया है। बाकी यहाँ पे केक वगैरह भी अपना पैक हो चुका है मस्त करके, ये वाला केक है, बस इसको सावधानी से घर ले जाना है, घर पहुंच जाए बढ़िया हो जाएगा। बाकी आज सिमड़ी में भी भगवा ज्वाइन करनी है, तो भाई वहाँ ना आज कृष्ण जन्म है, तो माँ ने बोला था केले वगैरह ले आना, तो केले भी रख लिए हैं। विनय भाई से विदा ले लेते हैं। चलो ठीक है था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारा काम बहुत जल्दी निपटा दिया, टाइम से पहुंच जाएंगे, फिर टाइम से पहुंच जाएंगे आपकी शादी में, अटक लगा लियो। ठीक था भाई, ये ठीक सामने भाई दोस्तों आपको चुरानी गाँव दिखाई दे रहा होगा, क्या बढ़िया सी लोकेशन में बसा हुआ एक गांव है, यहाँ देखो बढ़िया लग रहा है ना यहाँ से। अब बाकी ठीक इसी गांव के नीचे भाई दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ पे एक रोड कट रही है, जो रोड जा रही है ठीक कटले महादेव के लिए।
भाई दोस्तों ठीक जैकपॉट पूल के ठीक नीचे। तो अभी मैं नयार में आया हूँ। तो भाई दोस्तों ये नयार है पूर्वी नयार, और आगे चल के भाई दोस्तों यही नयार ठीक सतपुली में मिल जाती है। और बाकी दोस्तों गर्मी भी खूब सारी हो रही थी और हमारे पास टाइम भी खूब सारा था, तो सोचा चलो नहा लिया जाए। बाकी भाई दोस्तों हमें डांडा गाँव के लोग, तो हमको तैरना वगैरह बहुत कम आता है, मतलब हमारे घर नयार से ना काफ़ी ऊपर है, तो हम नदी किनारे वाले नहीं है, तो हमको तैरना भी नहीं आता, तो हम तो साइड में ही नहा लेंगे यहाँ पे। बाकी पानी भाई दोस्तों थोड़ा मटमैला टाइप का हो रखा है, क्योंकि कल परसों में बारिश हुई है, तो थोड़ा सा पानी खराब हो रखा है। भाई दोस्तों खूब सारे सब्सक्राइबर मिले हैं मुझे, बट किस हालत में मिले, इस हालत में। यहाँ देखो आज पता क्या हुआ कि ना बस नहीं आई आज, और सब लटक गए भाई। इस लाइन पे एक ही बस है दिन की, अगर वो मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो जय श्री राम। वैसे भी संडे का दिन है तो गाड़ी तो मुश्किल ही मिलती है, अटक गए आज। क्या करना भाई, गाड़ी नहीं मिली, वीडियो कॉल से बैठे बैठे आ रहे धक्के खा खा के। अब क्या होगा, अब देखते हैं, बस मालिक के भरोसे बैठे। चलो ठीक है ठीक है, नहीं आएगी तो चलो ठीक है, चलो ठीक है। तब आनी ना गाड़ी, बुला रहा ना, चलो ठीक है, मिला क्या बताए, ठीक है, नमस्कार। ठीक अभी 1:30 बज रहे हैं और नहा धो के बिल्कुल आ गए हैं मस्त करके, बॉडी बिल्कुल तगड़ी हो गई, और अब जा रहे हैं थोड़ा सा सिमड़ी गांव में, और सबसे पहले तो इसको रखने का जुगाड़ ढूंढना होगा। नमस्कार, ठीक चाहो, तो फिर इसने धर दिया ये केक से, जरा ध्यान जान डाली चला था। अच्छा, हाँ ये तो फ्रिज में कुछ आ जा, और सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। दादी नमस्कार, खोच आए बढ़िया। हाँ यहाँ पे भैरव बाबा जी का मंदिर भी है, तो जय हो भैरव बाबा जी की। और यहाँ पे माता रानी का मंदिर भी है, माँ काली का, तो माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। धूमधाम खूब सारी हो रही है, अलग अलग भीड़ देखो, खूब सारी भीड़ हो रही है यहाँ देखो, पूरा पंडाल भर चुका है, और अभी तो स्टार्ट है, धीरे धीरे करके भाई दोस्तों पूरा पंडाल भरेगा। अब न छोड़ेंगे दामन तुम्हारा कभी, माफ कर दो हमारी खताएं सभी। अब न छोड़ेंगे दामन तुम्हारा कभी, माफ कर दो हमारी खताएं सभी। बस के बाहर मेरे दिल मेरा हो गया, बस के बाहर मेरे दिल मेरा हो गया, मेरे बाके से हर बेतरा हो गया। स्वर्गीय श्री महानंद जोशी जी, सुरैया श्रीमती महेश्वरी देवी जी एवं समस्त पितरों के उद्धार के लिए ये कथा रूपी गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले आप सबको भगवान का ही स्वरूप समझ करके प्रणाम करता हूँ। सज्जनों, श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये अहंकार निर्मूलक कथा है। सारी प्रकृति में मानो अचानक ऐसी बयार आने लग गई है कि ये कोई अकल्पनीय है, लेकिन उसी समय वहां पर जो सरोवर खाली थे, रिक्त थे, वो भरने लगे हैं। यज्ञ कुंड की अग्नियां फिर से अपने आप
जलने लगी है। सब चारों ओर ऋषि महर्षि संत महात्मा ज्ञानी यतिवृंद सब आ करके ब्रजमंडल की यात्रा करने लगे हैं। तो भादों का महीना शुरू हुआ और भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और अष्टमी तिथि की रात्रि के समय और अखंड ब्रह्मांड चराचर नायक भगवान सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा योग माया को पहले ही कह चुके हैं कि तुझे यशोदा की बेटी बनकर के आना है और जब मैं आऊंगा तो तब सबको सुला देना है। और आज योग माया ने वही किया। सब जितने सैनिक जो चारों ओर लगाए हुए थे सब महाराज सो गए हैं। द्वार पर जितने बड़े बड़े तारे लगा दिए गए थे वे सब छोटे हो गए। और जब भगवान ने सर्वे नक्षत्र तारा दिया जब अनुकूल जान लिए उसी समय भगवान ठीक रात्रि के 12 बजे माँ देवकी के गर्भ से चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। पौने छह का टाइम हो गया है भाई दोस्तों और भगवान कृष्ण के जन्म के लिए भाई दोस्तों मैंने कम से कम नहीं भी किया होगा तो 4 घंटे इंतजार किया भाई। पर भाई दोस्तों देख के ना मजा आ गया जब दर्शन हुए ना। हाय हाय सभी जितने भी भक्तजन क्या थे भाई सभी ऐसे झूम उठे कि क्या बोले सबको भाई दर्शनों की ललक थी तो सबकी ललक पूरी हुई। और उसके बाद भाई साहब काना को भी देखा तुमने कैसे कर रहा था काना ऐसे ऐसे भाई काना को देख के तो और भी ज्यादा मजा आ गया।
मौसम अचानक से चेंज हो गया है भाई दोस्तों। यहाँ देखो हो सकता है कि रात को बारिश हो, आ जाए तो फिर से मजा आ जाएगा। तो आगे यहाँ पे कंडारी जी हैं भाई दोस्तों, कंडारी जी के लिए केक आ गया है। कंडारी जी कैसा लग रहा है? अच्छा, है? अच्छा अच्छा लग रहा है। अच्छा तुमने अपने दोस्तों को बोल दिया केक खाने आ जाना? हाँ। बोल दिया था? हाँ। ये पक्की बात है? हाँ। मुझे तो नहीं बोलना पड़ेगा ना? नहीं। ओके। बाहर मौसम भी बड़ा भयंकर और लाइट भी फटाफट से जा रही है भाई दोस्तों, तो मैंने फटाफट से बोल दिया सबको कि आ जाओ और फटाफट से केक कट करते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे देखो भाई दोस्तों प्लेट वगैरह लगा दी है। ये सामान मेरे पास पिछली बार का था, मतलब अभी बीच में जब मैं कुछ दिन पहले लाया था ना तो मैंने बचा दिए थे। आज संडे का दिन था भाई दोस्तों, तो मुझे कुछ नमकीन वगैरह कुछ मिला नहीं क्योंकि दुकानें ज्यादातर बंद ही थी, तो मेरे पास पहले से पड़ा था तो बढ़िया से मैंने वो रख दिया है। चलो भाई दोस्तों केक का डब्बा खोलते हैं। पिछली बार तो हम सही सलामत ले आए थे, इस बार मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। महेश भाई क्या है, क्या क्या बात हो गई? अगर ठीक है, अरे बहुत शानदार है, उसमें क्या है? कौन कितने नंबर का बर्थडे है तुम्हारा बेटे? 4 साल हो गई। वाह बढ़िया है, पर थोड़ा सा तिरछा हो गया। थोड़ा सा क्या है कि हल्का सा अपनी जगह से थोड़ा सा सरक गया है, काफी मेहनत से लाए थे बट हो ही गया भाई दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे का बर्थडे है तो छोटे बच्चों को हमने सभी को बुला लिया है, जितने छोटे बच्चे हैं सबको बुला लिया है गांव से। बाकी अभी केक कट करेंगे फटाफट से। जला जला हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अंशु, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये अंशु का कलेक्शन हुआ है भाई, कितना हुआ कलेक्शन? पता नहीं अभी मैं कटा पंच। अंशु पता नहीं कहाँ आई? वो करने को आप पिंकी बोल बोलना परवाह की नहीं करने को। अच्छा नन लोड़कनी बोली जाबो उन सभी को नहीं, बड़ों को कहीं खड़े नहीं बाल। ज्यादा सामान नहीं था भाई दोस्तों, क्या हुआ कि आजकल ठंडा चलता है तो दुकान में थोड़ा बहुत ठंडा था, मैंने ठंडा मंगा दिया और केक के साथ ठंडा नमकीन बिस्कुट और टॉफी, इतना बहुत था ना। सभी छोटे बच्चे आ गए, बढ़िया से बर्थडे भी मना लिया। बाकी फिलहाल यहाँ पे देखो भाभी के द्वारा भाई साहब कलेक्शन गिना जा रहा है। ओहो तो वही दोस्तों ये हुआ है कलेक्शन, टोटल कलेक्शन बता दूं वही दोस्तों अंशु को मिले हैं 560 रुपए गिफ्ट में। क्या बात है यार अंशु, बहुत बहुत धन्यवाद तो कर दे सबका। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद क्या लगी इन्हें था अंशु, तुमने मेरे को फोन बनाया, गिफ्ट दिया, गिफ्ट दिया तुमने मुझको, गिफ्ट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तुम लोगों का, तुम लोगों का, अच्छा ठीक है धन्यवाद मेरे दोस्त। चलो भाई अब हो गया भाई दोस्तों खाना खाने का टाइम, फटाफट से खाना खाते हैं उसके बाद मैं लग जाऊंगा एडिटिंग में। बाकी यही था दोस्तों आज के पूरे दिन का हाल, कैसी लगी आप सभी को वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें दोस्तों के साथ, रिश्तेदार के साथ, सबके साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।